तो हे गाइस, व्हाट इज अप गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस हम बनाने वाले हैं एक अल्टीमेट गैजेट जो कि गेमर्स, ऑफिस वर्कर्स सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। वर्ड, वीडियो एडिटर्स एंड मैं भी इसको काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए बनाते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस, इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन गाइस। तो टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो फिर चलो बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने पेपर पे एक टेम्पलेट काट दिया है, डायमेंशन मैंने बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। अब इसको MDF का कट कर लिया, बिल्कुल ट्रेसेस करते हैं। अब मैंने लिया है पुराना कीबोर्ड, अगर आपके पास पुराना कीबोर्ड है और माउस है जो कि ख़राब हो गया, कोई काम नहीं आ रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि नया खरीदो और उसको ऐसे कन्वर्ट करो, वो फ्रेंड्स कुछ ऐसे ज़्यादा खास नहीं है। तो अब देखो, मैंने ना ये इसके आगे की कीज़ ले रहे हैं, कीज़ आप कोई सी भी ले सकते हो। मैं F वाली फंक्शन कीज़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी साइज़ में छोटी है, तो हम इनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कम स्पेस के अंदर। आप चाहो तो ये ABCD ये कोई भी ले सकते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बाद में बताऊँगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। अब ये देखो, इन कीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे ये कीबोर्ड के भी कट करने पड़ेंगे। कट कर लिए, सेंडिंग करेंगे अब इनकी, अच्छे से सेंड होना चाहिए। मतलब यार फ्रेंड्स, लुक आनी चाहिए ना चीज़ में, हम जो बना रहे पूरा मन लगा के बनाते हैं तो लुक तो आनी चाहिए। बस इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो कि सब्सक्राइब तो करते नहीं हो गाइस आप, यार देखो उधर नीचे बटन है ना, लाल बटन दबाओ, एक बार दबाओ तो देखो एक नंबर आगे बढ़ेगा। बढ़ा नहीं बढ़ा ना तो आप, क्योंकि आपने दबाया ही नहीं, दबाओ उस बटन सब्सक्राइब के बटन को। चलो ठीक है, अपन ये वीडियो में थे। ये देखो, मैंने इनको इस टाइप से चिपका दिया कट करके। अब ये मैंने लिए, ये कीबोर्ड के अंदर से मिल जाएंगे, ये रबड़ के पैड से रहते हैं, हम कीबोर्ड के अंदर होते हैं ना, तो मैंने वो यूज़ करे। हम इन सब के अंदर इनको इंसर्ट कर देंगे ऐसे। अब इसके लिए मैंने ये यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं हिंदी में चिमटी, मैंने हाँ तो मैंने ये यूज़ करी है और सबको रबड़ वाले डाल दिए। अब ये की लगाएंगे हम F4। मैं लाइन वाइज लगा रहा हूँ, आप कोई सी भी की लगा सकते हो, नाम से कुछ नहीं, की के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उससे कुछ नहीं। अभी हम डिसाइड करेंगे कि यह क्या फंक्शन करेगी, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब ये मैंने लिया पुराना टेलीफोन, या आप पुश स्विच होता है ना वो भी ले लो, उससे हम ये वर्क करें। अब बेसिकली हम करने के वाले, इसका ये स्विच है ना, इसको हटाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाले स्विच इसलिए लिए क्योंकि ये एक तो बहुत चीप है और एक मेरे पास वेस्ट पड़े थे, तो गाइस वेस्ट चीज़ को यूज़ करके हम बेस्ट बनाने चाहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे लिया ये कीबोर्ड है, इसी का ये है ना बोर्ड, इसके साथ मैंने एक USB का है ना ये माइक्रो USB सॉकेट और कनेक्ट कर दिया। अगर आपको ना इसके पूरी डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो मैंने बना रखी है, देखो एक तो आई बटन पे आ रही होगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। गेमिंग पैड बना रखा है मैंने, गेम कंट्रोलर, तो उसमें भी है ना मैंने सेम इसी चीज़ का यूज़ किया है और ये उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ये देखो, इसमें मैंने अलग अलग वायर यहाँ पे सोल्डर कर दिए ये कीबोर्ड का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन वायर्स को है ना कंप्यूटर में डालूंगा, टेस्ट करूंगा कौन सा वायर टच करने पे कौन सा फंक्शन, कौन सी की हो रही है। उसके लिए आप सिंपली कीबोर्ड खोल के कंप्यूटर में आता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और उससे टेस्ट कर सकते हो। अब ये देखो, मैंने सारी कीज़ लगा दी इसमें, मतलब कीज़ तो क्या, ये है ना टच पैड लगा दिए, उसके टेलीफोन वाले बटन होते हैं ना उनके, आप ना वो सिंपली पुश स्विच आता है ना, या कोई सा भी पुश टू ऑन स्विच है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे क्लिक करेंगे, बट आपको मैंने एक चीज़ बनाना भूल गया, हम ये कीज़ है ना इनके अंदर एक थोड़ा फॉइल पेपर लगा देना, क्योंकि मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनेगा ना तभी ये कीज़ चलेगी। अब मैंने यहाँ पे ये माउस लिया है, ये मैंने पहले सोच रहा था ये हमारा RGB माउस है ना, इसको यूज़ करें, बट नहीं गाइस, फिर मैं थोड़ा ये वाला ले लेते हैं, हमारा छोटा वाला माउस, तो मैंने ये वाला लिया। इसमें ये थोड़ा परफेक्ट फिट भी हो रहा है और इसमें ये देखो लाइन भी है, तो हमारा थोड़ा काम ईजी हो जाएगा। तो चलो मैंने इसको भी यहाँ पे कट कर लिया, पर ना ना अभी ना चिपकाना। देखो मैंने इसके अंदर भी दो स्विच लगा दी, ये कौन से, ये राइट और लेफ्ट के स्विच है जो माउस के, माउस लगा रहे तो माउस की फंक्शनलिटी भी तो चाहिए पूरी। अब ये देखो यहाँ पे माउस के ये स्विच होते हैं ना राइट और लेफ्ट के, यहाँ से सिंपली दो दो तार निकाल के उन दोनों स्विच में लगा देंगे, बस सिंपल। आप बस सिंपली तरीके से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी कर देना। वाह अच्छी लग रही है क्या, देखा बताओ लाइक करके कितनों को अच्छी लगी। तो चलो अब ना यहाँ पे देखो माउस के वायर है ना, ये तो सिंपली आप माउस खोलोगे तो उसमें से जो वायर रहेंगे ना वो वायर ही आपको वापस कनेक्ट करने, ये तो भाई आप हटाना भी मत। चलो बना दिया, माउस भी कनेक्ट कर दिया मैंने इसमें सिंपल, ये दोनों लगा के। अब चलो ये इसको पैक कर देते हैं, कार्डबोर्ड यूज़ किया गाइस मैंने, ये तो नीचे पैक करेंगे। तो गाइस नाउ टाइम टू टेस्टिंग आवर गैजेट। तो गाइस गैजेट को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक गेम ओपन कर लिया है, पता है बहुत पुराना गेम है, बट कोई बात नहीं, टेस्टिंग के लिए ये भी काम करेगा। आप क्या करने वाले हैं, कंट्रोल्स रिडिफाइन कर लेते हैं। रिडिफाइन करने के लिए सेटिंग में जाना है हमें जो कंट्रोल्स है। अब जो मैं बता रहा था ना, मैंने जो कीज़ यूज़ करी ना वो ABCD XYZ और इस टाइप की कीज़ यूज़ करी है, तो ये हमारा गेम इजीली चल जाएगा। फंक्शन की नहीं है उन पर लिख रखा है, बस आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है। तो गैजेट तो हमारा अच्छा से यूज़ कर रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे मैं क्या करने वाला हूँ, इससे मैं करने वाला हूँ ये वीडियो एडिट, इसी से करने वाला हूँ इसका यूज़ करके, इससे बहुत है ना इजी हो जाता है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।